अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये कलरफुल सिमाई का डिज़र्ट, जो कि इतना यम्मी और क्रीमी बनकर तैयार होता है कि अगर आपने एक दफ़ा इसको ट्राई किया तो आप दोबारा मेरे चैनल पर आकर इसके फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसको आप दावत पे बना सकते हैं, पार्टी पे बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको बना के सर्व करना चाहें कर सकते हैं। इतना क्रीमी, इतना यमी ये बनकर तैयार होता है, मेरी फैमिली में सभी को बहुत पसंद है और मैं अपनी फैमिली की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक लबेशिरी की रेसिपी अपलोड की जो कि सबको बहुत पसंद आई और एक दिन में ही उसने 5 मिलियन व्यूज़ टच किए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाली बात है। अच्छा, उसमें मैंने जेली बनाना नहीं सिखाई थी, बहुत ही क्विक रेसिपी थी। अच्छा, वो रेसिपी अगर आप देखना चाहें ना तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस रेसिपी में मैंने सोचा मैं आपको जेली बनाना सिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम का एक पैकेट और ये ब्लू कलर की जेली मैंने ली है। और इसके लिए जो पानी मैंने इस्तेमाल किया है वो है 2 कप। अच्छा, साशे पे ना इस पे लिखा हुआ था 6 कप, लेकिन मैंने 6 कप पानी का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया 250 ग्राम जेली के लिए। अच्छे से पानी गर्म हो जाए तो इसमें डालकर उसको आपने मिक्स करके डिश आउट करके रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए साइड पर रख देना है। जब जेली ठंडी हो जाए तो फिर आपने उसको फ्रिज में कम से कम भी आधा घंटा या फिर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। अच्छा, दूसरा स्टेप जो था वो मैंने लिया है इवेपोरेटेड मिल्क, और ये मैंने 1 कैन लिया है। आप इसकी जगह पर कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवेपोरेटेड मिल्क क्या होता है, नॉर्मल आप दूध लें और उसको इतना काढ़ना है, यानी कि उसको इतना बॉइल करना है कि वो रिड्यूस होकर हाफ रह जाए, इसको कहते हैं इवेपोरेटेड मिल्क। आप घर पर भी बना सकते हैं। अब मैंने एक हैवी बॉटम पैन लिया, उसमें मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है, 1 लीटर गाय का दूध यानी कि, ठीक है, उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था रात ही, लेकिन आप फ्रेश दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवेपोरेटेड मिल्क इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे सा बॉइलिंग पॉइंट आने तक बॉईल करेंगे। और चीनी मैंने इसमें शामिल की है 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उतनी शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो मैंने इसमें मीठा शामिल किया है वो बहुत परफेक्ट था। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है वनीला एसेंस का, और 1 पैकेट जो कि 200 ग्राम का है यानी कि 200 ग्राम का मैंने इसमें क्रीम शामिल की है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, मुझे लगा कि मेरा दूध ना तो फटने स्टार्ट हो गया है, ये ख़राब होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके शुक्र है कि दूध ख़राब नहीं हुआ था। शायद इवेपोरेटेड मिल्क डालने की वजह से उसकी थोड़ा सा वो मुझे डिस्टर्बिंग लगा। तो इसको अब इतना बॉईल करेंगे, यानी कि मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 9 से 10 मिनट के लिए इसको पकाया था, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ चुकी है, जो कि जिस तरह से रबड़ी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये दूध आपके पास आएगा। अब यहाँ पर मैंने 1 पैकेट कलरफुल सिमाई का लिया, उसको मैंने बॉईल कर लिया। कोई आपने इसमें ऑयल नहीं शामिल करना है, सिंपल पानी में आपने इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल करके इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी आप डाल देंगे ना तो ये इस तरह से अखरी अखरी रहेंगी। ड्राई फ्रूट आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं, मैंने बादाम और पिस्ता इसमें शामिल किया है, जो कि थे अराउंड 4 खाने के चम्मच जितना, ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर किया करें प्लीज़, ये आपकी तरफ से थोड़ा सा हौसला अफज़ाई हो जाती है कि अच्छा आपको रेसिपी अच्छी लग रही है। ठीक हो गया, अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद, मेरे पास ना टाइम नहीं था क्योंकि मैंने दिन में 2 वीडियोस शूट की थी, अभी इसका लास्ट क्लिप बन नहीं सकता था, तो मैंने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। अब ये क्लिप मैं आपको दूसरे दिन दोपहर में दिखा रही हूँ, और यकीन करें ये अभी आप देख सकते हैं फ्रिज में रखने के बाद ये इतना चिल आउट और इतना क्रीमी और यम्मी बन चुका था ना कि देखते ही ये मुँह से निकला कि वाह। तो आपको भी दिखने में लग रहा है ना कि कितना क्रीमी हो चुका है, जबकि स्टार्ट में ऐसे लग रहा था कि ये पतला पतला सा है तो पता नहीं कैसा होगा। तो फ्रिज में रख देंगे ना सेट हो जाएगा। अब इसमें जेली शामिल कर देंगे, और मैंने 3 कलर की जेली शामिल की हैं, ज़्यादा फोकस मेरा ब्लू पे था, ब्लू कलर लिया है मैंने, रेड लिया है और ग्रीन लिया है। अब इन तीनों को इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे, जेंटल हाथों से मिक्स करना है आपने इसे।
अच्छा, मुझे कमेंट करके बताएं कि किस किस के मुंह में पानी आ रहा है और कौन कौन ये रेसिपी ट्राई करने जा रहा है। ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं। अब इसका मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। इसको हम एक बाउल में मैं डाल दूँगी। ये रेसिपी मेरी फैमिली में भी सभी की पसंदीदा है और हमारे नेबर्स में कलर हो रहा था। एक दो अंकल को भी हमने दी थी, मेरा भाई जाकर उन्हें दे कर आया था और उन्हें भी बहुत पसंद आई थी। तो आप भी ऐसे तारीफ़ें पाना चाहती हैं तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इसके फीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, टिकटॉक, फेसबुक और स्नैक वीडियो पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए ज़रूर बताएं। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और मैं हूँ उर्वा, आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये बहुत ही यमी, क्रीमी और डिलीशियस लबे शीरे की रेसिपी, जिसे आप दावत पे बना सकते हैं, पार्टी पे बना सकते हैं। और ये ऐसी रेसिपी है जिसको तकरीबन हर घर पर, किसी भी, कोई भी दावत हो, मेहमान घर पे आ रहे हैं, कोई इवेंट है, कुछ भी है, इस रेसिपी को ज़रूर बनाया जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने तरीके से कि आप किस तरह से बना सकते हैं। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बिस्मिल्ला करके हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो डेरी मिल्क, यानी कि मैंने खुला दूध लिया है। आप डब्बे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको गर्म होने देंगे। जब दूध आप देखें कि अच्छे से गर्म हो चुका है, फिर हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी। मैं इसमें आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बैलेंस्ड शुगर था, यानी कि परफेक्ट बनकर तैयार हुआ था, ना बहुत ज़्यादा था ना बहुत ही कम। अच्छा, अब इसमें हम शामिल करेंगे कस्टर्ड। इसको मैंने 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया, उसमें आधा कप दूध शामिल किया। इसको अच्छे से मिक्स करके अब आपने इस तरह से इसमें शामिल करना है कि एक हाथ से डालते जाएं और दूसरे हाथ से आपने स्पैचुला को चलाते रहना है। इससे क्या होगा कि इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली नहीं बनेगी। अच्छा, जैसे ही आप कस्टर्ड डालेंगे, आप नोट करेंगे कि ये हल्का सा, फ़ौरन से ही हल्का हल्का ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना है, ना ही हमें इसको जो है बहुत ज़्यादा पकाना है। जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने लिक्विड ही रखा है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो कस्टर्ड को मैंने ठंडा होने के लिए साइड पर रख दिया है। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, इसमें मैंने पानी डाला। पानी जब गर्म होना स्टार्ट हो गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे, फिर मैंने इसमें शामिल की है कलरफुल सिमाई, और ये मैंने ली है 1 कप। इसको आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है, लेकिन इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि इस पानी में आपने ऑयल शामिल नहीं करना है। ठीक है, सिमाई हमारी बॉईल हो चुकी है, उसको स्ट्रेन करके मैंने साइड पर रख दिया है। यहाँ पर कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ली हैं जेली, जो मैंने ली हैं 2 कलर में, ग्रीन और रेड। ठीक है, आपके पास 3 कलर हैं तो आप 3 भी ले सकते हैं, यानी कि ऑरेंज कलर, सही है, ऑरेंज या फिर मैंगो कलर। मैं यहाँ पर 2 कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ और आई होप कि आपको जेली बनाना आती हो। रेसिपी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इनको बनाकर और फ्रीज़ कर दिया था। अच्छा, अगर आपको नहीं आता ना बनाना, तो जेली के जो पैकेट होता है उसके बैक साइड पर लिखा हुआ होता है कि किस तरह से आपने इसको बनाना है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर लीजिएगा और इसी तरह से आपने जेली बनाकर साइड पर रख देनी है। मैंने इनको क्यूब्स में कट किया है, सही है। अब जो है मैं आपको सारी प्रिपरेशन दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो सिमाई थी इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था, तो इसको हम रख देंगे साइड पर। जेली भी हमारी तैयार है, सिमाई भी तैयार है। अब फ्रूट्स में मैंने लिए हैं 3 कलर। ठीक है, मैंने लिए हैं केले, और ये है मैंने लिए थे 5। 2 मैंने बड़े साइज़ के सेब लिए हैं और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिए हैं अंगूर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपके साथ 1 किलो दूध की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपने ध्यान से देखना है, और जो रेसिपी है ना वो सारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप नोट कर लीजिएगा। सिमाई मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पैकेट डेरी मिल्क पैक क्रीम का। ठीक है, आप 2 पैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसको देखते हुए मैंने ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप 2 पैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सबको हमने इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजा हो जाए। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और रेसिपी को लाइक नहीं किया है, यानी कि वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। इससे आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमें जो है हौसला अफज़ाई हो जाती है, सही है। अब मैं इसमें फ्रूट्स डाल रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले लिया है सेब, और मैं लबे शीरी हूँ या कोई भी चीज़ हो, मैं उसमें फ्रूट्स फ्रेशली काट कर इस्तेमाल करती हूँ और इसी तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, और यही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सही है। सबसे पहले मैंने सेब काट लिए, और उसके बाद मैं इसमें केला शामिल कर रही हूँ। 1 किलो में 5 केले बहुत होंगे, जितने भी फ्रूट्स मैंने क्वांटिटी बताई है ना, आप एज इट फॉलो कीजिएगा, बहुत परफेक्ट आपकी रेसिपी बनकर तैयार होगी।
अंगूर डाल देंगे और इसको बहुत ही जेंटली हाथों से आपने इसको मिक्स करना है, यानी कि रगड़ा नहीं लगा देना कि जो फ्रूट्स हैं, जो अंगूर हमने इसमें शामिल किए हैं, वो टूट जाएं। सही है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़े से बादाम, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो इसको डाल दीजिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा अगर आपके पास नहीं हो तो। मैंने 10 मिनट पहले इनको भिगो के रख दिया, इनका छिलका उतार के और इनको चॉप कर लिया है, लेकिन आप सिंपली चॉप करके इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जेली। जेली आपने इसी पॉइंट पर शामिल करनी है क्योंकि हमने सारे फ्रूट्स जो भी चीज़ें इसमें शामिल की हैं उनको अच्छे से मिक्स करना था, लेकिन अगर आप जेली भी स्टार्ट में ही शामिल कर देंगे तो जैसे ही आप मिक्स करेंगे ना, जेली फ़ौरन से घुल जाएगी, यानी कि टूट जाएगी, तो वो फिर प्रेजेंटेबल नहीं लगती, लुक अच्छा नहीं आता है। ठीक है, तो हमें अपनी रेसिपी को ख़राब नहीं करनी, कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए हमें अपनी रेसिपी में। तो ये आपने जो है ये वाली टिप ज़रूर फॉलो करनी है। तो यहाँ पर तैयार है हमारी बहुत ही क्रीमी, बहुत डिलीशियस और यमी लबे शीरे की रेसिपी। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, एक दफ़ा आप बनाएंगे ना तो बिलीव मी आपको बहुत पसंद आने वाली है और आप हमेशा यही रेसिपी ट्राई करेंगे। ज़रूर से बनाएं। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए ज़रूर कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज़।